हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं भूपेंद्र गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले 3 वीडियो में अपन ने बात की है, वर्ण विचार, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्नों, बाह्य प्रयत्नों के बारे में, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उन तीनों टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 15 से 20 सेकंड का समय दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, कति उदित वर्णाः, तो आपको बताना है उदित वर्ण कितने होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ए 25। दोस्तों, जो वर्गीय वर्ण हैं उनको उदित वर्ण कहा जाता है, अर्थात इनको संस्कृत में जो 5 वर्गीय वर्ण हैं उनको कुचु टू तुपु, कुचु टू तुपु कहा जाता है, जिसमें उ की इत संज्ञा हो जाती है और जिस वर्ण की उत् संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है, यहाँ पे क्या बचता है, इसलिए इनको उदित वर्ण कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। माहेश्वर सूत्रेषु स्वर संबंधी सूत्र अस्ति, तो आपको बताना है माहेश्वर सूत्रों में स्वरों से संबंधित सूत्र कितने हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए 4। जी हाँ दोस्तों, 14 है माहेश्वर सूत्र हैं, उनमें से शुरुआत के जो 4 हैं ए उण रील रिक ए ओंग ऐ औच, ये स्वरों से संबंधित हैं, जबकि अन्य 10 जो बच गए हैं वो व्यंजन वर्णों से संबंधित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, उष्म वर्णेषु नास्ति, आपको बताना है कि निम्न में से कौन से ऑप्शन में उष्म वर्ण से संबंधित वर्ण नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है रे। जी हाँ दोस्तों, उष्म वर्ण मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, उष्म वर्ण से 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 और है, ये 4 उष्म वर्ण कहलाते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतस्थ वर्णम नास्ति, आपको बताना है निम्न में से कौन सा अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। और इसका जो राइट होगा वो है है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया, है जो है वो उष्म वर्ण के अंतर्गत आता है, जबकि अंतस्थ वर्णों में य व र ल, इन 4 वर्णों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ इत्यत्र संयोग रस्ति, तो आपको बताना है ज्ञ जो वर्ण है वो किन 2 वर्णों के संयोग से बना है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
वो है द। ज और य वर्ण के संयोग से ज्ञ वर्ण का निर्माण हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है णकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, तो आपको णकार का उच्चारण स्थान बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, नासिका। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था वीडियो में, वर्ग के पंचम अक्षर का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है। अपने को प्राथमिकता नासिका को देनी है। नासिका ऑप्शन नहीं होने की स्थिति में यहाँ इसका उच्चारण स्थान मुर्दा होगा, लेकिन नासिका भी ऑप्शन में होने पर जो उच्चारण स्थान माना जाएगा वो नासिका को माना जाएगा। चाहे किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो, उसका उच्चारण स्थान नासिका होगा। नासिका ऑप्शन नहीं होने की स्थिति में संबंधित वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो वहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है कति आभ्यंतर प्रयत्नः, आपको बताना है आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है द, पांच। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया मैंने, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या पांच है। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत और संवृत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईकारस्य आभ्यंतर प्रयत्न है भविष्यति, तो आपको बताना है ईकार जो है ई, इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है विवृत। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था सभी स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो विवृत होता है। अगला प्रश्न है प्रत्येकम स्वरस्य कति बाह्यतनः भविष्यति, आपको बताना है प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य प्रयत्न संभव हैं या कितने बाह्य यत्न बनाए जा सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों स, तीन। जी हाँ दोस्तों, उदात, अनुदात और स्वरित, ये तीन प्रत्येक स्वर के बाह्य यत्न हो सकते हैं। जबकि व्यंजन वर्ण की बात करें तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण के चार बाह्य यत्न संभव हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो एक बार पिछले वीडियो को देखे, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एकारस्य कति भेदाः सन्ति, आपको बताना है एकार के कितने भेद माने गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ब, 18। जी हाँ दोस्तों, ए जो है इसके 18 भेद माने जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था प्रत्येक स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये तीन भेद होते हैं। तो प्रत्येक स्वर का जो है एकार के बात करें तो ह्रस्व, एकार, दीर्घ और प्लुत, इस तरह से तीन भेद हो जाएंगे। उदात, अनुदात, स्वरित, इन तीन भेदों को और मिलाकर 9 भेद हो जाएंगे। फिर प्रत्येक वर्ण जो है वो दो तरह से होता है, एक तो अनुनासिक और एक अनुनासिक, इस तरह से दो भेद होते हैं। इन दो भेदों को और मिला देंगे तो 9 × 18 कुल भेद हो जाएंगे इसके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। माहेश्वर सूत्राणाम कथ्यते,
तो आपको बताना है माहेश्वर सूत्रों को क्या क्या कहा जाता है। अक्षर समामनाएँ, प्रत्याहार सूत्रहा, वर्ण समामनाएँ या उपयुक्त सभी। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों द, उपयुक्त सर्वम। जी हाँ दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समामनाएँ, प्रत्याहार सूत्रहा, वर्ण समामनाएँ, इसके अलावा माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समामनाएँ, प्रत्याहार सूत्रहा, वर्ण समामनाएँ, शिव सूत्र जाल कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। च वर्णस्य शुद्ध वर्गीकरणमस्ति। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है प्रयत्नों के आधार पर च वर्ण से संबंधित है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ए, च वर्ण जो है स्पर्श होता है, तालु उच्चारण स्थान होता है, इचु यसा नाम तालु, स्पृष्ट मैंने बताया था आपको, स्पृष्ट होता है जो 25 वर्ण हैं कैसे लेकर मैं तक उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो स्पृष्ट होता है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है और उनका जो बाह्य यत्न होते हैं वो विवार, श्वास और एघोष होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल प्रत्याहारे सम्मिलिता भवंती। तो आपको बताना है अल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। और अल प्रत्याहार की बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत अपने सभी वर्ण आ जाते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स, उभौ। दोस्तों अल प्रत्याहार की बात करें तो मैंने बताया था प्रत्याहार निर्माण में प्रारंभिक जो वर्ण है वो ए और अंतिम वर्ण है ल। तो माहेश्वर सूत्र का जो पहला सूत्र है ए ई उण, उसमें जो ए है वहाँ से लेकर अंतिम जो सूत्र है हल, वहाँ तक के समस्त वर्ण अल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स। अगला क्वेश्चन है वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ वर्णः भवन्ति। तो आपको बताना है वर्ग के दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है वो किसके अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है अल्प्राण, महाप्राण, विवृत या संवृत उसको कहा जाता है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है ब, महाप्राण। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था आपको प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है, जबकि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संस्कृते यम वर्णः मन्यते। आपको बताना है संस्कृत में यम वर्णों की संख्या कितनी है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है स, चत्वार है। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत में यम वर्णों की संख्या जो मानी गई है वो चार मानी गई है। उनमें मैं बता देता हूँ कुम, खुम, गुम और घुम। इन चार वर्णों को यम वर्ण कहा जाता है। यम वर्ण क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
ये इस तरह से लिखा हुआ आता है, जब द्वितीय वर्ण एक साथ होते हैं, इन चारों वर्ण में से कोई भी वर्ण एक साथ हों, जैसे कि यहाँ पर गए दो बार आ रहा है, तो जो द्वितीय वर्ण है वो यम वर्ण कहलाता है। जैसे अग्नि है तो इसमें दो बार गए आ रहे हैं, तो जो सेकंड गए है उसको यम वर्ण कहेंगे। इसी तरह एक और उदाहरण दे देता हूँ मैं, पलिकनी, यहाँ पर भी दो बार क आ रहा है, तो यहाँ पर जो यम वर्ण होगा वो होगा द्वितीय क, द्वितीय क को यम वर्ण कहेंगे। इनकी कुल संख्या की बात करें तो संस्कृत व्याकरण में चार मानी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा स, चत्वार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कस्मिन प्रत्याहारे उष्म वर्ण आगछंती, आपको बताना है किस प्रत्याहार के अंतर्गत उष्म वर्णों को शामिल किया गया है। प्रत्याहार निर्माण मैंने पहले वीडियो में बताया था किस तरह से प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है, कुल प्रत्याहारों की जो संख्या है वो 44 बताई गई है, तो आपको बताना है उष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, सल। सल प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त उष्म वर्णों को शामिल किया गया है, जो कि 13वें 14वां नंबर का जो माहेश्वर सूत्र है उसके अंतर्गत आते हैं। स, स, स और है, ये चार वर्ण उष्म वर्णों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान दृष्टिया असमूहित वर्ण अस्ति, तो आपको बताना है उच्चारण स्थान की दृष्टि से असमूहित वर्ण है, तो यहाँ पे देखते हैं घ, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, है इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है, ए है विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है, तो ए बच गया। अंग, तो इस अंग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दोस्तों नासिका, जैसा कि मैंने बताया था नासिका अनुस्वारस्य, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब, अंग। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगला है माहेश्वर सूत्रेषु के वर्णाः इति संज्ञकः, तो आपको बताना है माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण इति संज्ञक वर्ण होता है। इति संज्ञक वर्ण मैंने बताया था जिस वर्ण की इति संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है, अर्थात उसकी गणना नहीं की जाती है, और इसका जो आंसर होगा वो है ब, अंत्या। जी हाँ दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो अंतिम वर्ण है उसकी इति संज्ञा हो जाती है और इति संज्ञा होकर लोप हो जाता है, इसलिए प्रत्याहार निर्माण के समय अंतिम वर्ण को जो है नहीं गिना जाता है, जैसे ए, ई, ऊ, ण, ये पहला माहेश्वर सूत्र है, इसके अंतर्गत बात करें तो तीन वर्णों को शामिल किया गया है ए, ई, ऊ, जबकि ण की इति संज्ञा हो जाती है और जिसकी इति संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। अगला प्रश्न है वर्गाणाम विषम वर्णाः भवन्ति, आपको बताना है वर्ग के जो विषम वर्ण हैं वो होते हैं, क्या होते हैं, घोष, अघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। और इसका जो होगा राइट आंसर वो होगा अल्प प्राण। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बताया था मैंने वर्ग का 1, 3, 5 वर्ण ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, जो कि विषम वर्ण हैं। अगला प्रश्न है पाणिनीय शिक्षा अनुसारम कति वर्णाः स्वीक्रियन्ते, आपको बताना है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल कितने वर्ण संस्कृत वर्णमाला में शामिल किए गए हैं। 63 अर्थात 63, 64 अर्थात 64, 60 अर्थात 60 या 63 64वा अर्थात 63 या 64।
और इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों द त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा, अर्थात 63 या 64 वर्ण पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमालायाम हल वर्णाः भवन्ति, आपको बताना है संस्कृत वर्णमाला में हल वर्ण अर्थात हल वर्ण से आशय है व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में अपन व्यंजन वर्णों की बात करें तो व्यंजन वर्ण होते हैं स त्रिंशत, त्रिंशत अर्थात 33, कैसे लेकर मैं तक के 25 वर्ण प्लस 4 अंतस्थ वर्ण और 4 उष्म वर्ण, इस तरह से कुल 33 व्यंजन वर्ण संस्कृत वर्णमाला में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रेषु कह वर्ण द्वयोः स्थानयोः परियुक्तः है, तो आपको बताना है माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण दो स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। और इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों है वर्ण की बात करें दोस्तों तो इसका दो माहेश्वर सूत्रों में प्रयोग किया गया है वर्ण का, एक पांचवे हयवरट नामक सूत्र में जबकि दूसरी बार इसका हुआ है चौदहवे सूत्र में, हल 14 सूत्र है हल जहां पर है वर्ण का प्रयोग हुआ है जबकि पांचवे सूत्र में भी है वर्ण का उच्चारण अथवा प्रयोग हुआ है। है वर्ण का जो प्रयोजन है दोस्तों दो बार का, वो एक बार उष्म वर्णों में शामिल करने के लिए जबकि पहले वाले है का उच्चारण जो किया गया है अर्थात है वर्ण का जो प्रयोग है वो अट प्रत्याहार तथा सल प्रत्याहार इन दोनों जगह करने के लिए इसका दो बार प्रयोग किया गया है वर्ण की बात करें अपन तो है वर्ण जो है घोष वर्ण तथा उष्म वर्ण इन दोनों जगह पर शामिल करने के लिए इन दोनों में शामिल करने के लिए जो है वर्ण का प्रयोग दो बार किया गया है। तो पूछा जा सकता है आपसे है वर्ण का प्रयोग दो बार क्यों हुआ है, तो इसके लिए अट व सल प्रत्याहार का निर्माण करना है इसका प्रयोजन। देखते हैं अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान दृष्टिया असुमेलित वर्ण है अस्ति, तो आपको बताना है उच्चारण स्थान की दृष्टि से असुमेलित वर्ण कौन सा है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है स, जी हाँ दोस्तों ई का उच्चारण स्थान इचु यसानाम तालु है, य का भी स्थान तालु है, झ का उच्चारण स्थान भी तालु है जबकि स की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान होता है दंत, इसको दंत्य स कहा जाता है, इसलिए उच्चारण स्थान की दृष्टि से यह वर्ण असुमेलित है। अन्य सभी वर्णों के जो उच्चारण स्थान है वो तालु है जबकि स का उच्चारण स्थान दंत है। अगला प्रश्न है, निम्नांकितेषु संवार वर्ण है अस्ति, तो आपको बताना है निम्न में से संवार वर्ण कौन सा है। और इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों है, अन्य सभी इन दोनों तीनों के जो उच्चारण स्थान हैं बाह्य यत्न वो विवार श्वास एघोष ये हैं जबकि है वर्ण की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान संवार नाद और घोष ये माने गए हैं जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अगला प्रश्न है,
हस प्रत्याहारे कति वर्णाः सम्मिलिता। तो आपको बताना है हस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्णों को शामिल किया गया है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों स विंशति। हस प्रत्याहार के अंतर्गत 20 वर्णों को शामिल किया गया है, जिसमें पांचवें सूत्र में, पांचवें माहेश्वर सूत्र में स्थित है से लेकर दसवें माहेश्वर सूत्र के स वर्ण तक के सभी वर्ण इसमें शामिल किए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 20 है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आगे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे की सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से। तो आप जिन्होंने लाइव क्लास में इनको हल किया है वो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। साथ ही आप सामान्य ज्ञान ग्रुप टीम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।